Hello students, I again welcome you on my YouTube channel Law Business Guru, and today we will discuss about financial management. Class 12 ka business studies ka ek tough chapter mana jata hai financial management. To aaj uske kuch topics apan yahan discuss karte hain. Sabse pehle baat karte hain sir yaar ye financial management ka matlab kya hota hai aur finance ka matlab kya hota hai aur management ka matlab kya hota hai. Finance ka matlab hota hai paisa, management matlab management, kisi bhi cheez ko manage karna usko bolte hain management. Kisi bhi cheez ko dhang se karne ke liye jo management kiya jata hai usko bolte hain management. To aaj apan is chapter mein kiske bare mein discuss करेंगे कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है, यहां अपन सीखेंगे फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है. सर क्या किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए क्या पैसा जरूरी है क्या? हां सर बिल्कुल जरूरी है. जैसे अगर किसी इंसान को जीने के लिए खून होना जरूरी है, मतलब उसके शरीर में खून होना जरूरी है, वैसे ही अगर किसी बिजनेस को अपने को रन करना है तो उस बिजनेस में पैसा होना जरूरी है. तो अपन बोलते हैं फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. अगर किसी भी बिजनेस को जिंदा रखना है तो पैसा होना जरूरी है. सर पैसा किस लिए चाहिए? बिजनेस को रन करने के लिए पैसा किस लिए चाहिए? लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अपने को क्या चाहिए? पैसा चाहिए. तो मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी. सर बिजनेस की एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस. सर यार ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन है, वो थोड़ी समझाइए ना क्या होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ फंड्स. क्या मतलब होता है? फ्लो ऑफ फंड्स, पैसों का फ्लो. उसमें अपन तीन डिसीजन लेंगे. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, सर मैं पैसा कहां से प्रोक्योर करूं. दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, सर मैं पैसा कहां इन्वेस्ट करूं. और तीसरा आता है अलोकेशन ऑफ फंड. प्रॉपर अपन ने अलोकेट किया था, देखो सबसे पहले अपन ने पैसा लिया, उसके बाद उसको इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न आएगा उसमें से कितना अपने पास रखना और कितने अपने शेयर होल्डर्स में बांटना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो सर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस फ्लो ऑफ फंड्स व्हिच इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू, जिसमें अपन क्या डिसीजन लेंगे? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू दी ओनर्स. जो अपन ने पैसा कमाया है उसका कितना अपने पास रखना और कितना अपने शेयर होल्डर्स में बांटना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब सर डिस्कस करते हैं सर यार ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं. बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पांच ऑब्जेक्टिव है, और उसमें से सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं सर, वो क्या बोलता है? शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना. सर शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ेगी? अगर मान लीजिए कंपनी के किसी शेयर की प्राइस है 500 रुपए, और कंपनी ने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट आने वाले टाइम में इतना अच्छा कर दिया कि 4-5 साल बाद उस शेयर की वैल्यू हो गई 1500 रुपए, तो बताओ शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? फर्स्ट केस. सेकंड केस था पैसा हमेशा ऐसी जगह से लेना जहां से सस्ते में मिले. कहां से मिले? सस्ते में मिले और टाइम पे मिले. दूसरा, तीसरी बात करते हैं पैसे को हमेशा ऐसी जगह लगाना जहां पे सेफ्टी रहे. ऐसा नहीं कि हर कहीं पैसे लगा दें, पैसे ऐसी जगह लगाओ जहां पे प्रॉपर सेफ्टी रहे. चौथा बोलता है पैसे का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेना है. क्या लेना है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. और पांचवा पॉइंट बोलता है कि पैसा कभी भी आइडल पड़ा रहना नहीं चाहिए. घर पे पैसा कभी भी खाली पड़ा रहना नहीं चाहिए. अगर घर में 2 करोड़ रुपए अलमारी में पड़े हैं तो सर नुकसान है. उसको अगर अपन का इन्वेस्ट करेंगे तो सर बैंक ब्याज देगा, इंटरेस्ट मिलेगा. इसलिए घर पे कभी भी पैसा आइडल पड़ा रहना नहीं चाहिए. तो सर अभी आपने क्या पढ़ाया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फ्लो फंड व्हिच इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स. दूसरा आपने पांच ऑब्जेक्टिव पढ़ा है. पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. पैसा ऐसी जगह से लेना जहां से पूरी पैसा ऐसी जगह लगाना जहां पे प्रॉपर सेफ्टी रहे. पैसे का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेना. पैसे का पैसे जहां से भी ले रहे हो सस्ते में मिले. और लास्ट बोला है पैसा घर पे कभी भी आइडल पड़ा रहना नहीं चाहिए. अब डिस्कस करते हैं सर यार ये फाइनेंशियल डिसीजन कितने तरह के होते हैं. फाइनेंशियल डिसीजन तीन तरह के होते हैं. कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के. पहला आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा आता है डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये बोलता है कि पैसे कहां इन्वेस्ट करें. मेरे पास पैसे पड़े तो मैं उसको कहां लगाऊं, उसको इन्वेस्ट कहां करूं, वो बोलता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. और मान लीजिए मेरे पास दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट मुझे 12% रिटर्न देता है और दूसरा प्रोजेक्ट मुझे 14% देता है, तो मुझे पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? 14% वाले में. दूसरा बोलता है फाइनेंसिंग डिसीजन, सर जो पैसा इन्वेस्ट करना है ना उसके लिए पैसा आएगा कहां से. सर एक बंदा मुझे 8% में पैसा दे रहा है और दूसरा 6% में दे रहा है, तो पैसे कहां से लूंगा? 6% वाले से. और तीसरा आता है डिविडेंड डिसीजन. सर ये डिविडेंड डिसीजन ये बोलता है कि सर पैसा जो मैंने इन्वेस्ट करने से जो मुझे रिटर्न मिला वो कितना मेरे पास रखना और कितना अपने शेयर होल्डर्स में बांटना है. शेयर होल्डर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्यों? क्योंकि उनको बदले में क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए, रिटर्न चाहिए. अब बात करते हैं यार सर ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन आपने पढ़ाया कि सर पैसे कहां से लें, इसके दो सोर्स है अपने पास. कितने सोर्स है? दो सोर्स. एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड. ओनर्स फंड मतलब खुद का पैसा, बोरोड फंड मतलब मांगा हुआ पैसा. खुद के पैसे पे इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन मांगे हुए पैसे पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है. अब सर ओनर्स फंड कितने तरह का होता है? यानी आपका इक्विटी शेयर्स ले लो, प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, रिटेन अर्निंग ले लो. सर
बोरोड फंड क्या होता है, डिबेंचर्स, लोन वगैरह लेना। अब डिस्कस करते हैं, जब भी अपन कहीं से पैसा ले रहे हैं ना तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्या बोला, जब भी अपन कहीं से पैसा ले रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कुछ ये 5 फैक्टर है जिसके ऊपर एग्जाम में केस स्टडी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। सबसे पहले आता है कॉस्ट। सर फाइनेंसिंग डिसीजन में जो अपन कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले आता है कॉस्ट। सर मैं कहीं से पैसे ले रहा हूं तो सबसे पहले देखूंगा कॉस्ट कितनी लग रही है। एक जना मुझे पैसा 18% में देता है और एक जना 16% में देता है, तो मेरे को किधर जाना चाहिए, 16% वाले के पास। दूसरा आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। सर ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, शेयर इश्यू करने में जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। और हमेशा शेयर इश्यू करने में फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी लगेगी, लेकिन जरूरी है कि डिबेंचर में इतनी फ्लोटेशन कॉस्ट लगे तो कंपनी कहां से पैसा लेना प्रीफर करेगी, डिबेंचर से, क्योंकि शेयर्स में ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट आती है। तीसरा आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। सर शेयर बाजार की कंडीशन, अगर मान लीजिए शेयर बाजार बूम पे, कैपिटल मार्केट बूम पे, तो कोई भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो आसानी से बिक जाएंगे, उसको डिबेंचर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। चौथा आता है रिस्क। सर रिस्क किधर है, सर रिस्क ज्यादा उधर है जहां से अगर मैं पैसा बोरो करूंगा, क्योंकि सर अगर मैं कमाऊं या ना कमाऊं बोरोड फंड पे इंटरेस्ट देना जरूरी है, तो रिस्क ज्यादा बोरोड फंड में, डिबेंचर्स लोन में ज्यादा रिस्क है। पांचवा आता है कैश फ्लो पोजिशन। सर अगर मेरी कैश फ्लो की पोजिशन अच्छी है तो मैं डिबेंचर से पैसा लेना प्रीफर करूंगा, क्योंकि अगर मैं कमाऊं ना कमाऊं मेरे पास कैश है तो मैं डिबेंचर का इंटरेस्ट इजीली दे दूंगा। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, बिजनेस को रन करने के लिए जो ऑलरेडी फिक्स है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, रेंट भरना, ये सारी क्या है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर स्टूडेंट पढ़ने आए ना, फिक्स ऑफिस का रेंट तो हमें देना ही देना है। वैसे अगर ऑलरेडी मेरी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो मैं क्या डिबेंचर से पैसा लूंगा क्या, अगर डिबेंचर से पैसा लेने गया तो मेरा इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ जाएगा, मेरी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और बढ़ जाएगी, तो मैं डिबेंचर से पैसा नहीं लूंगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है। अब बात करते हैं कंट्रोल कंसीडरेशन की। रिलायंस के ओनर मुकेश अंबानी के पास मान लीजिए रिलायंस के 20% शेयर है, कितनी शेयर होल्डिंग है 20%। अगर मुकेश अंबानी ने अपने शेयर मार्केट में इशू कर दिए, 10% इशू कर दिया, तो उनका कंपनी के ऊपर कंट्रोल चला जाएगा कि बढ़ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। सर अगर 10% शेयर इशू कर दिए तो कंट्रोल कम हो जाएगा, तो इसलिए वो कभी भी कंट्रोल अपना कम नहीं होने देना चाहते, तो किधर से पैसा लेना प्रीफर करेंगे, डिबेंचर से पैसा लेना प्रीफर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।